काम और करना है मुझे, आप लोगों की अटेंडेंस लगानी थी, एंड एज यू कैन सी आई हैव कंप्लीटेड दैट। तो मुझे अब किसी एक्लिप्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं डायरेक्ट रन कर रही हूँ उसको यहाँ से। ठीक है, तो क्या करते हैं, हाँ जी, तो एक बार अटेंडेंस देख लेते हैं। प्रखर, ओके, रितेश, प्रेजेंट संजय कुमार यादव, अंकित, मैम। दीपाली, यस मैम। जय शर्मा, यस नितिन, यस मैम। मयंक, यस अलका, मैम। सुमित, सुमित नहीं है, ओके, सर्वेश, चिराग, कृष्ण, यस मैम। ऋषि, कुमकुम, खुशी, यस अनुमेहा, मैम। रोहित, यस उज्जवल, मैम। निहाल, प्रेजेंट मैम। आफताब, प्रेजेंट मैम। योगेश, सोहेब, हिमांशु, प्रेजेंट। यस सिद्धार्थ, जतिन, प्रेरणा, अभिषेक दुबे, श्रद्धानंद, करण कुमार, मंजीत, आयुष, मैम। अभिषेक शर्मा, पूजा, यस दिव्या, मैम। ओके, चिराग, मैम भाई बोल दिया करो, चैट बॉक्स का मेरे पास नहीं है। मैम ओके, दिव्या, विमल कुमार, मैम। अरविंद, जतिन, मयंक, जतिन, प्रेजेंट संजय कुमार, आई थिंक संजय की डबल थी ऐसी, राइट, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे यादव है, यहाँ पर नहीं है, तो डुप्लीकेट इसलिए वैसे नहीं हुआ। दीपक कुमार, ओके, सात्विक, सूरज प्रेजेंट, तो भाई नाम लेती तो बता दिया करो। मैम। दीपक कुमार, सात्विक, अमित, सूर्य प्रकाश, विनय यादव, रवि प्रकाश एंड साहिल। लोग किस किस मेरा का नाम नाम अभी भी एंड लिखा, नहीं किया। एक मिनट देखते हैं। पर जिसका नाम नहीं आया ना, चैट बॉक्स में अपना नाम और डुकैट आईडी शेयर कर दीजिए।
ओके ठीक है, मैं आप लोगों के नाम यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। रोहित आपका नाम तो था उसके अंदर। अच्छा, मैम, दो डुकेट हो गए। आईडी अलग थी। ओके 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 तो अगर मैं अब देखती हूँ तो आपका नाम आ ही जाएगा इस ग्रुप में। ठीक मेरा सूरज आपका नाम नहीं आया था तो यार, पहले मैं इसीलिए तो कह रही थी कि जिसका नाम नहीं आया वो बता दीजिए मुझे। सूरज डुकैत आईडी क्या आपका? 15,287। और कोई है जिसका नाम नहीं आया ग्रुप में? ठीक है, फिलहाल तो मैं एक बार सबके नाम ही भेजने वाली हूँ क्योंकि पूरा लिस्ट भी चाहिए था इन लोगों को। तो एक काम करते, एक बार ये शेयर कर देते हैं, आफ्टर दैट वी कैन कंटिन्यू। चलिए तो क्लास देखते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एरेस के अंदर काम बता रही थी कि काम कैसे करवाना है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि सर्च कैसे कराएंगे, तो सर्च का लॉजिक क्लियर है। अब मान लो मुझे इस लॉजिक को एक फंक्शन में सेट करना है। साइड बाय साइड हम इनको क्या करेंगे, एक एक करके तो समझेंगे ही, साथ के साथ इसको फंक्शन में ऐड भी करते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक क्लास क्रिएट करनी है अलग से। इसका नाम हम रख देते हैं एरे ऑप्शंस। इस एरे ऑप्शंस क्लास के अंदर हम क्या काम करने वाले हैं, थोड़ा सा इसमें हम ऊप्स भी लाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो सबसे पहले तो एक स्कैनर ले लेते हैं। अब देखो, अगर मुझे पता है कि एक एरे जो है वो इस पूरी क्लास में यूज होने वाला है, तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या रहेगी कि एक एरे को हम इंस्टांस में ही बनाए। अब जब हम यहाँ पे एक एरे को बनाएंगे तो एरे कितने भी साइज का हो सकता है। जैसे कि मान लो हमारे पास जो वैल्यूज है वो इस तरह से आ गए, तो ये क्या है, इंडेक्सेस हैं एरे के। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, मतलब 10 एलिमेंट्स के लिए। अब यहां पर हमें ये तो पता चल जाता है कि एरे की टोटल लेंथ कितनी है, लेकिन अगर मान लो एरे के अंदर कुछ वैल्यूज हैं और कुछ नहीं, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो इस केस में हमें ये कैसे पता चलेगा कि आखिरी वैल्यू कौन से इंडेक्स के? तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये जानने के लिए कि आखिरी वैल्यू कहाँ पर है। हाँ जी, कोई एक ऐसा वेरिएबल रख लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आखिरी वैल्यू जहां पर भी रहेगी उसका इंडेक्स सेव करते रहेंगे। जब भी एक नई वैल्यू डालेंगे इसको इंसर्ट, इसको क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। और जब एक वैल्यू को लूप में, इसका क्या कहते हैं, एरे में से हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको डिक्रीमेंट कर देंगे। तो ये बढ़िया रहेगा ना काम इसके लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक एंड वेरिएबल रख लेते हैं। ठीक है, एंड रख लो, लास्ट वैल्यू रख लो, कुछ भी रख लो जैसा आपको बेटर लगता है। तो जहां पर भी मेरी आखिरी वैल्यू होगी, जैसे अभी मेरी आखिरी वैल्यू 4 इंडेक्स पे है, तो हमने उसका इंडेक्स सेव कर लिया। ओके, और इस एंड वेरिएबल को शुरू शुरू में हम यहाँ पे इंस्टांस में डिफाइन करेंगे। कभी अगर आपको एक ऐसा क्लास बनाना है जिसमें आपकी चीजें कॉमनली यूज हो रही है, तो बेटर क्या रहता है कि उसको हम कहाँ पे रखें, इंस्टांस में रखें।
ऐसे में आपके पास इसका यूज कहीं भी आ जाएगा, आपको फंक्शन ऐसे में अरे में ऐसे या में ये वेरिएबल मैं पास नहीं करना पड़ेगा, कॉमनली यूज हो जाएगा। ओके नितिन यादव, मैं आपको क्लास से रिमूव कर रही हूँ अभी के अभी। ड्राइंग करनी है अपने घर पे जाके करो, यहाँ पे मत करो प्लीज, क्लास डिस्टर्ब कर दे तो तुम लोग। पता नहीं था, सॉरी मैम। ओके तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर अगर मान लो आप एक एरे के लिए सेटिंग बना रहे हो, क्योंकि ये जो एक कॉन्सेप्ट मैं करवा रही हूँ ना, इसकी हेल्प से आप कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आप असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको काम क्या करना है, सबसे पहले तो इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, और कंस्ट्रक्टर में आकर हम ये जो कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं, इस कंस्ट्रक्टर को हम क्या बनाएंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। यहाँ पे हम साइज जो होगा ना एरे का, भाई जितने भी साइज का एरे बनाना है वो साइज पास भी करवाएं। ओके और जो साइज आएगा उसी साइज को हम एरे का साइज सेट कर देंगे इस तरह से। तो हम लिखें ए इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे क्या दे देंगे, साइज दे देंगे। एंड आफ्टर दिस यहाँ पर एंड वेरिएबल जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू, क्योंकि देखो अभी एरे में कुछ नहीं है तो मैं जीरो भी नहीं रख सकती, क्योंकि जीरो पे भी वैल्यू आती है, तो जीरो से पहले क्या आता है, -1, तो हम उसको सेट कर लेंगे। फिर स्कैनर को इनिशियलाइज कर देते हैं, स्कैनर को हम यहाँ पर इस वे में सेट कर देते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, एक एरे क्रिएट हो गया, एंड वेरिएबल सेट हो गया और स्कैनर भी सेट हो गया। अब इस क्लास के अंदर हम जब काम करेंगे तो यहाँ पे हम एरे के बनाने के लिए, मतलब मैं यहाँ पे एड फंक्शन नहीं बना रही जिसमें हमने मल्टीपल वैल्यूज बनाई, मैं यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन बना रही हूँ जो कि जब भी कॉल होगा एरे में एक वैल्यू सेट करवाएगा। कितनी वैल्यू सेट करवाएगा, एक ही वैल्यू सेट कराएगा, क्योंकि चीजों को जब आप इस लेवल पे ले जाते हो ना तो उनको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई रखोगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा। ओके तो यूजुअली तो यही होता है ना, जैसे कि मान लो आप किसी के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, तो जब कोई नया कस्टमर आएगा तभी तो आप उसको ऐड करोगे, राइट? तो यही रहता है ना सिस्टम। तो इसी तरह से हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक वॉइड इंसर्ट। और यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन काम क्या करेगा, जब भी ये कॉल होगा ये एरे में एक वैल्यू डलवाएगा। तो यहाँ पर हम काम क्या करते हैं, अब इंसर्ट आ गया है ना तो हमें एक चीज का और भी ध्यान रखना है, मतलब देखो सपोर्टिंग फंक्शंस भी काफी सारे होते हैं। अब इंसर्शन किस केस में हो सकती है, जब एरे में जगह होगी, अगर एरे भर गया तो हम वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं एरे में, नहीं करा सकते, राइट? तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चेक करें कि एरे जो है वो कहीं भर तो नहीं गया। तो ऐसा अगर मुझे पता लगाना हो तो हम क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड इज फुल, जो कि क्या देखेगा कि भाई एरे कहीं भरा हुआ तो नहीं है। तो ऐसा करना है तो तरीका क्या होगा, एरे को अगर चेक करना है कि एरे फुल है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, तो देखो हमने जो एंड वेरिएबल लिया है ना, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। अब एंड वेरिएबल को अगर हम देखें, अब लेट्स सपोज एरे के अंदर वैल्यूज आ चुकी हैं और एरे के अंदर अब एक भी जगह खाली नहीं बची, मतलब सारे इंडेक्सेस फुल हो गए, तो ऐसे में एंड कहाँ पे पहुंच चुका होगा, 9 पर। इसका मतलब जब एंड जो है वो एरे की लेंथ तो 10 दिखाएगा, तो 10 -1 कर देंगे, तो जब यहाँ पे आ गया ये एंड वेरिएबल कहाँ पहुंच गया, ए डॉट लेंथ -1। इसका मतलब एंड की वैल्यू भी 9 और ए डॉट लेंथ -1 की वैल्यू भी 9। जब ये इक्वल आ गए इसका मतलब क्या हो गया, एरे खाली, एरे जो है वो भर चुका है। तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं, एरे इज फुल, कांट इंसर्ट मोर वैल्यूज, राइट? तो इस टाइप का आंसर दे सकते हैं। तो हम काम क्या करेंगे यहाँ पे ना, हम चलो वॉइड नहीं रखते क्योंकि मैसेज प्रिंट यहाँ नहीं कराना है, हमें इसकी वैल्यू इंसर्ट को बताना। तो हम ट्रू या फॉल्स वापस भेजेंगे, क्या भेजेंगे वापस, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स वापस भेजने के लिए हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या लेना पड़ेगा, बूलियन। तो यहाँ पे बूलियन ले लिया, और यहाँ पे अगर ऐसा है तो सीधा रिटर्न में क्या कर देते हैं, ट्रू, हाँ जी एरे जो है वो क्या है, भर चुका है। एल्स अगर एरे भरा हुआ नहीं है तो क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स।
तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया जिसके अंदर हम ये पता लगा रहे हैं कि हमारा एरे कहीं भरा हुआ तो नहीं है, और इसको इसको हम चेक कहाँ से कराएंगे, इंसर्ट फंक्शन। जब यहाँ आएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस फुल को कॉल करेंगे। अब फुल की वैल्यू अगर ट्रू आई तो इफ की कंडीशन ट्रू, और अगर फॉल्स आई तो इफ की कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे हमें बस करना क्या है, मैसेज डलवाना है। Arrays, full, can't, insert, more values. Okay? और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो उस केस में हम क्या कहेंगे यूजर को, एंटर न्यू वैल्यू, और जो नई वैल्यू आएगी उसको कहाँ डलवाएंगे, एरे के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं। अच्छा देखो, एंड मैंने अगर लिया, अब यहाँ पे कब आएगा, जब इसके पास जगह खाली है, राइट? तो इसका मतलब मान लो एरे में जो हमारा एंड है वो कहाँ पे रखा बैठा हुआ है अभी, 5 पर। तो अगर मैंने एंड लिया तो मतलब मैं 5 के ऊपर वैल्यू डलवा रही हूँ, लेकिन मुझे 5 पे तो नहीं रखवाना ना वैल्यू, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी वैल्यू है। तो मुझे वैल्यू कहाँ चाहिए, 6 में। तो अगर मैं क्या करूँ, मतलब मैं वेरिएबल बचा रही हूँ यहाँ पे इंडेक्स वाला, इसको प्री इंक्रीमेंट कर दे, तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी, 6, राइट? और 6 होने पर वहां पर हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट इंट करके नई वैल्यू डलवा रहे। अगर मान लो पहली बार भी आए तो एरे के एंड की वैल्यू -1 है, सो -1 भी प्री इंक्रीमेंट होगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहली बार 0 इंडेक्स पे भी वैल्यू आ जाएगी। तो इस वे में एंड वेरिएबल के मतलब हमारे दोनों काम हो गए, वैल्यू भी डल गई और एंड को हमने इंक्रीमेंट तो करना ही था, जब भी नई वैल्यू आएगी वो भी हमने कर लिया, राइट? एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे मैसेज डलवा दो, वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब देखो, अगर मान लो मैं इस प्रोग्राम को वर्क करवाना चाहती हूँ, तो मेन फंक्शन में आते हैं और अपनी ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है? तो इसका नाम रख देते हैं एओ या फिर एपी कर देते हैं, इक्वल्स टू न्यू एरे ऑप्शंस। अब एरे ऑप्शंस को अगर मैंने कॉल किया तो ये क्या मांग रहा है, कि ये तो ऑब्जेक्ट मांग रहा है, सॉरी साइज मांग रहा है। तो हम यहाँ पे स्कैनर भी ले लेते हैं इसके अंदर, और यहां पर हम क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। सो एंटर साइज ऑफ एरे, और जितना भी साइज है उसको हम यहीं पर इनपुट लेके भेज देंगे। एंड आफ्टर दैट अगर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट करवानी है, तो अगर मैंने एपी डॉट इंसर्ट को पहली बार कॉल किया तो ये वैल्यू डलवा देगा एरे के अंदर, ठीक है? और यहाँ पर अगर मान लो मुझे एक से ज्यादा वैल्यू लेनी है, तो आप लूप लगा दो यूजर से पूछकर कि भाई यहाँ पे आपने अगर लिखना है कि भाई एक से ज्यादा वैल्यू भी आ रही है, सो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंट एन इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एंड आफ्टर दिस एपी डॉट इंसर्ट को कॉल करना है किसके अंदर, लूप के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस लूप के अंदर एपी डॉट इंसर्ट को बार बार कॉल करते रहे। इतना समझ में आया? अब अगर मुझे इन सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कराना हो, तो हम यहाँ पे वही अगेन डिस्प्ले वाला लूप लगा देते हैं, लेकिन इस बार तो हमें एरे भी पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरे तो कहाँ पर है, ऊपर इंस्टांस में, सब जगह यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली एक मैसेज डाल देते हैं, अब क्या किया जाए, एरे को पूरा प्रिंट करवाया जाए या फिर जितनी वैल्यू है उतना प्रिंट करवाया जाए, पूरा पूरा करवाए मतलब 0 दिखना चाहिए, खाली दिखना चाहिए, तो ऐसे में यहाँ पे आ जाए, ठीक है? तो आई को 0 से लेकर आई को लेस देन क्या लिख देते हैं, ए डॉट लेंथ, एंड देन आई को प्लस प्लस कर, और फिर से आउट कर देते हैं, और यहाँ पे आई को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट ले लेते हैं और यहाँ पे स्लैश भी लगा, और जब एरे प्रिंट हो जाएगा
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर लाइंस डाल देंगे, बीच में थोड़ा सा गैप दे देंगे, और इसके स्टार्टिंग में स्लैश एन लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ऊपर प्रिंट यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ अच्छा अच्छा, तो ये फिर रेडो, ठीक है, तो ऐसे भी आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास अभी अगर प्रोग्राम है, इसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करवा लेते हैं, तो वैल्यू इंसर्ट करानी, उसके बाद अगर मुझे डिस्प्ले करना, तो हम क्या लिखेंगे, एपी डॉट डिस्प्ले। अब देखते हैं, अब देखो, अगर मान लो मैंने साइज ऑफ एरे दिया 4, तो चार ही साइज बन गया एरे का। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मान लो मैंने 3 एलिमेंट लिए, तो ये वैल्यू ले रहा है और इंसर्ट करवा रहे, तो नई वैल्यू। अभी देखो मैंने ना गलती क्या करी, कि मैंने जब ये प्रोग्राम चलाया तो मैंने यहाँ पर लूप तो चला दिया, बट एन को माइनस माइनस नहीं किया, है ना। चलो एक काम करते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट ये डाल लूप के अंदर ना लेके यहाँ पे लेके। अगर मैंने साइज दिया 5, एलिमेंट्स दिए 4, चार एलिमेंट ले रहे, ठीक है, तो साइज 5 था लेकिन वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो काम आ रहा है इस तरह से। अच्छा देखो, अगर मान लो मैंने क्या किया होता, साइज जो था वो तो 5 दिया, लेकिन एलिमेंट भी मैंने कितने दे दिए, 6 दे दिए, ठीक है। अब अगर देखा जाए ना, अगर मैंने वो फुल वाला कंडीशन नहीं लगाया होता, तो प्रॉब्लम पता है क्या होती, क्या हो जाती, कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाती, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्या किया है, पहले से ही उसको चेक करा लिया। तो देखो, 5वीं बार उसने वैल्यू नहीं ली, क्या दिखा दिया, एरे इज फुल, कांट इंसर्ट मोर वैल्यूज, ठीक है, और फिर वैल्यू को प्रिंट भी करके दिखा रहा है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अब इसका एक बार लॉजिक को ड्राई रन भी करते हैं। देखो, जब हम पहली बार आए मेन फंक्शन, तो इसने क्या किया, सबसे पहले आपसे साइज लिया एरे का, यहाँ पर आकर इसने क्या मांगा आपसे, साइज, लेट्स सपोज आपने 5 दिया, तो इसने इसमें क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो कंस्ट्रक्टर को जब कॉल किया, तो कंस्ट्रक्टर में साइज में क्या वैल्यू आ गई, 5। तो जब इसने एरे को इनिशियलाइज किया, तो एक एरे बना दिया 5 साइज का, ओके। तो मतलब मेरे पास एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, और इस वक्त पे एरे बिल्कुल खाली। फिर इसने एंड को -1 पे सेट कर दिया, और उसके बाद स्कैनर को सेट किया और ऑब्जेक्ट बनाकर रिटर्न कर दिया एपी के अंदर, ओके। तो अब इस एपी के पास एक एरे आ चुका है ए नाम से, जिसका साइज कितना है, 5 है, और एंड एक आ चुका है, उसका साइज वैल्यू क्या है, -1, और एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी है जो इनपुट ले सकता है। अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर हम फंक्शन को कॉल कराते हैं, यूजर से वैल्यूज पूछी कि भाई कितनी वैल्यूज डलवानी है, तो यूजर ने लेट्स सपोज कहा कि चलो 4 वैल्यू डलवा, तो हमने यहाँ पर लूप चलाया कि एन जो है वो ग्रेटर देन, जब तक 0 से है तब तक लूप चलना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने दो काम किए, एक यहाँ पे लिया कि एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एक मैंने एन को पोस्ट डिक्रीमेंट कर दिया। तो मतलब यहाँ पे हमने दो टास्क करवाए। अब जब ये दो टास्क करवाए, तो ये पहले क्या करेगा, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है इसलिए एन को पहले यूज नहीं करेगा, पहले कंडीशन में यूज करेगा। तो यहाँ पर जब ये पहली बार आएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या चेक कर रहा है, कि भाई 4 जब तक 0 से ग्रेटर। यहाँ पर आया लूप के अंदर, इंसर्ट फंक्शन को इसने कॉल कर दिया। जब इसने इंसर्ट को कॉल किया, तो यहाँ पर आपका इंसर्ट फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पर आया, सबसे पहले आते ही इसने क्या किया, इफ कंडीशन के अंदर इस फुल फंक्शन को कॉल किया, और जब इसने इस फुल को कॉल किया, तो ये यहां पर आ गया। यहां पर आने के बाद इसने ये चेक किया कि एंड की वैल्यू इस वक्त पे क्या है, और इक्वल्स टू में